अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप खोलेगी ये कंपनी, क्या इससे आसान होगा स्पेस ट्रेवल? आखिर मुहावरे में क्यों करते हैं रत्ती भर का इस्तेमाल? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। क्या आप एक ऐसी ट्रिक जानते हैं जिसे फॉलो करने पर अगर आप टिकट कैंसिल करेंगे तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा? और दुनिया का एक ऐसा शहर जो दिखता है हूबहू इंसान की तरह बच्चे पैदा करता है, ये चमत्कारी पत्थर वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं इसका रहस्य। वीडियो में फैक्ट्स इससे भी मजेदार हैं, बने रहिए अंत तक। नंबर वन, दुनिया के लगभग हर देश में इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी पेशा करता है, जिसके लिए कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए 8 से 10 काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया के कई देशों में कर्मचारी 10 से 12 और 14 घंटे की लंबी लंबी शिफ्ट में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग मैक्सिको में रहते हैं, जहां एक इंसान पूरे साल भर में लगभग 2127 घंटे काम करता है। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिकी देश कोस्टा रिका का नाम शामिल है, जहां लोग साल भर में 2060 घंटे काम करते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रूस का नाम शामिल है, जहां के कर्मचारी ज्यादा पैसा कमाने के लिए ओवरटाइम करते हैं। वहीं जापान एक ऐसा देश है जहां कर्मचारी जानबूझकर छुट्टी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है और वह काम करके खुद को बिजी रखना पसंद करते हैं। हालांकि जिन देशों में कर्मचारी ज्यादा काम करते हैं उन लोगों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और वह परिवार दोस्तों व समाज से पूरी तरह से कट जाते हैं, इसलिए उतना ही काम करना चाहिए जिससे सेहत पर बुरा असर ना पड़े। नंबर टू, आज तक आपने इंसान और पशु पक्षियों को बच्चे पैदा करते हुए देखा होगा, जो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी पत्थर को बच्चे पैदा करते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज जन्म से जुड़े इस अद्भुत फैक्ट को भी जान लीजिए। दरअसल रोमानिया में कोस्टेस्टी गाँव है, जहाँ बल्ब के आकार का एक खास पत्थर काफी ज्यादा पाया जाता है। इस पत्थर को बच्चे पैदा करने वाले स्टोन के रूप में भी जाना जाता है, जिसके बच्चे इंसानी बच्चों की तरह चलना और आगे बढ़ने की कला भी सीख जाते हैं। इस पत्थर का असल नाम प्रोवेंस है, जिन्हें स्थानीय लोग डायनासोर के अंडे, जीवाश्म या फिर चमत्कारी पत्थर भी मानते हैं। ये चमत्कारी पत्थर मुख्य रूप से चूना, बलुआ और चट्टानों से मिलकर बनता है, जो अपने आसपास मौजूद पत्तों, हड्डियों, जीवाश्म और खनिज तत्वों को भोजन के रूप में खाना पसंद करता है। वैज्ञानिकों की माने तो शुरुआत में यह पत्थर समुद्र के अंदर पाए जाते थे, लेकिन धरती पर आए भयानक भूकंप और उल्कापिंड विस्फोट की वजह से प्रोवेंस जमीन पर आ गए थे। इस पत्थर की सबसे विचित्र बात है कि यह समय समय पर अपने भीतर से सीमेंट जैसा पदार्थ निकालता रहता है, जैसे कि पत्थर ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म दिया हो। वहीं चट्टान से निकलने वाला सीमेंट जैसा तरल पदार्थ हवा पानी के संपर्क में आने की वजह से केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से वह कुछ समय बाद एक सख्त चट्टान में तब्दील हो जाता है। इस तरह ट्रोवेंट्स बच्चे को जन्म देता है, जबकि हर 1000 साल में इन बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, यानी यह पत्थर अपनी औसत लंबाई से 1.5 से 2 इंच तक बढ़ जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह चमत्कारी पत्थर चल भी सकता है, जिसकी वजह से कुछ पत्थरों की जगह समय समय पर बदलती रहती है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पत्थर गर्म और ठंडे तापमान के साथ भी रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से इसे एक प्रकार से गति प्राप्त होती है और इसकी जगह में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। यही वजह है कि यूनेस्को ने इस खास पत्थर को संरक्षित रखा है, जिसकी संख्या में बीते कुछ सालों में कमी दर्ज की गई है। नंबर थ्री, आज के आधुनिक समय में हर कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई फर्जी एसएमएस या स्पैम कॉल आता है। ऐसे में कामकाजी लोग इस तरह के कॉल व मैसेज से परेशान हो जाते हैं, जबकि कई लोगों के साथ फोन पर बैंकिंग संबंधित धोखाधड़ी भी हो जाती है। लेकिन अब आपको इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए फर्जी और स्पैम कॉल्स को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इस नए नियम के तहत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है, जिसका काम स्पैम कॉल और फर्जी एसएमएस को फिल्टर करना होगा। इस सिस्टम की वजह से ग्राहक फर्जी कॉल के साथ बैंक और अन्य जगहों से आने वाली स्पैम कॉल से छुटकारा पा सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठगी और धोखाधड़ी जैसे मामलों से बचने में आसानी हो जाएगी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हर टेलीकॉम कंपनी के सिम सिस्टम पर मौजूद होगा, जिसके लिए कंपनियों को अपने अपने स्तर पर एआई सर्विस शुरू करने के लिए पहल करनी होगी। आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो इस एआई सिस्टम को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं, जिसकी वजह से जल्द ही इन टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस लेने वाले ग्राहकों को स्पैम कॉल्स और फेक एसएमएस से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर फोर, भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से रेलवे को लाइफलाइन के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट की बुकिंग करवाई जाती है तो कभी कभी किसी वजह से कैंसिल करना पड़ता है। उस स्थिति में यात्री सफर भी नहीं कर पाता है और रेलवे विभाग उस कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर टिकट की आधी रकम को काट लेता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यात्री यात्रा से ठीक 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे टिकट का पूरा पैसा वापस मिल जाता है और किसी प्रकार का कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं कटता है। दरअसल भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यात्रा से 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाता है तो कैंसिलेशन चार्ज के रूप में टिकट का 50% हिस्सा काट लिया जाता है। अगर आपने अपनी टिकट करा रखी है और किसी कारणवश आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो उस टिकट को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा। इसके लिए आपके पास बुकिंग नंबर होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि टिकट किसी बाहरी लोग को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार इसे अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप उस टिकट को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अपने फैमिली मेंबर्स जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बेटा या बेटी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, आप उन्हें अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट डालनी होगी। वेटिंग या फिर REC टिकट आप ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इससे आपको कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा और आपके पैसे बच जाएंगे। इंडियन रेलवे के मुताबिक ट्रेन की टाइमिंग से 24 घंटे पहले आप टिकट काउंटर पर जाकर ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे अगर कम समय होगा तो आप टिकट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। रेलवे के कन्फर्म टिकट को ट्रांसफर करने के लिए आपको टिकट का एक प्रिंट आउट लेना होगा और फिर नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। यहाँ आपको जिसके नाम टिकट ट्रांसफर करवाना है उसका ID प्रूफ भी साथ ले जाना होगा। नंबर 5, इस बात में कोई शक नहीं है कि फ्यूल कार से सफर करने के लिए उसमें समय समय पर पेट्रोल या डीजल भरवाना पड़ता है, जिसकी वजह से शहर से लेकर हाईवे और गांव में जगह जगह पर पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द स्पेस में भी पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा जो सैटेलाइट्स में फ्यूल भरने का काम करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका में स्थित ऑर्बिट फैब नामक स्टार्टअप कंपनी एक नई कॉन्सेप्ट के साथ बाजार में आई है। इस कंपनी का दावा है कि यह अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप खोलने जा रही है जो जमीन पर मौजूद फ्यूल स्टेशन से बिल्कुल अलग और आधुनिक होगा। इस पेट्रोल पंप के तहत अंतरिक्ष में टैंकर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा जो वहां पहले से मौजूद सैटेलाइट्स में ईंधन भरने का काम करेगी। इस पेट्रोल पंप सर्विस को शुरू करने का मकसद अंतरिक्ष में लंबे समय से घूम रही सैटेलाइट्स को ईंधन मुहैया करवाना है ताकि सैटेलाइट्स ईंधन की कमी की वजह से काम करना बंद न कर दें। इसकी वजह से सैटेलाइट्स ज्यादा लंबे समय तक काम करेंगी और उसकी वजह से धरती पर नेटवर्क सिस्टम को दुरुस्त बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा जिन सैटेलाइट्स को ईंधन खत्म होने के बाद कचरा समझकर पृथ्वी के समुद्र में फेंक दिया जाता है उनकी संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि एक सैटेलाइट को बार बार रिफिल करके काम में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा और मंगल ग्रह की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को भी स्पेस क्राफ्ट में ईंधन खत्म होने की टेंशन नहीं सताएगी क्योंकि उनके पास स्पेस में भी फ्यूल टैंक फुल करवाने का विकल्प मौजूद होगा। ऑर्बिट फैब ने इस पेट्रोल पंप का नाम टैंकर 001 टेंजिंग रखा है जो भविष्य में अंतरिक्ष की दुनिया को और भी रोमांचक बना देगा। नंबर 6, धरती पर हर देश में गांव कस्बे मौजूद हैं, जहां का रहन सहन और खान पान शहरों के मुकाबले बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आकृति एक इंसानी शरीर से मिलती जुलती है। यह गांव इटली में मौजूद है जिसका नाम सेंटुराइप है। यह खूबसूरत सा गांव इटली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है जो काफी दूर तक फैला है। इस गांव की तस्वीर को ड्रोन की मदद से क्लिक किया गया और जब सभी तस्वीरों को आपस में जोड़ा गया तो उसकी आकृति बिल्कुल एक इंसानी शरीर की तरह दिखती है। इस गांव के पास भी 2 पैर, 2 हाथ और 1 सिर है, जबकि इंसानी शरीर की तरह पेट, फेफड़े और छाती का हिस्सा भी मौजूद है। यह गांव समुद्र तट से 730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जहां 5000 से ज्यादा लोगों की आबादी निवास करती है। हैरानी की बात यह है कि इटली का आकार खुद एक बूट यानी जूते की तरह है। वहीं अब इस देश में मौजूद इंसानी शरीर वाले गांव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। नंबर 7, तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है। आपने कभी न कभी किसी न किसी इंसान के मुंह से यह लाइन जरूर सुनी होगी जिसमें रत्ती शब्द का इस्तेमाल सामान्यतः कम मात्रा या शून्य के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रत्ती सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत पुराना इतिहास छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल रत्ती सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पौधा होता है जिसे आमतौर पर गुंजा के नाम से जाना जाता है। रत्ती के पौधे पर लाल और काले रंग के छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं जिसके अंदर मटर की तरह दाने होते हैं। रत्ती के पौधे पर लगे यह दाने छूने पर बिल्कुल सख्त हो जाते हैं जबकि कुछ देर बाद वे पौधे से टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। रत्ती का पौधा आमतौर पर पहाड़ी इलाकों और जंगलों में पाया जाता है जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने में सोने या मोती से बने जेवरों का वजन मापने के लिए किया जाता था। उस समय में भारत समेत एशिया के ज्यादातर देशों में सोनार और जेवर का व्यापार करने वाले व्यापारी अपने पास रत्ती रखते थे जिससे उन्हें ज्वेलरी का वजन मापने में आसानी होती थी। रत्ती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका वजन कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है, यानी अगर रत्ती के बीज बूढ़े हो जाएं या फिर पानी में भीग जाएं, फिर भी उनका वजन एक समान बना रहेगा। यही वजह है कि पुराने समय में सोनार इसका इस्तेमाल करते थे
जबकि एक रत्ती का वजन 0.121497 ग्राम के बराबर होता है। वहीं अगर इस रत्ती के औषधीय तत्वों की बात करें तो इस पौधे के पत्ते चबाने से मुंह के छाले बहुत ही आसानी से ठीक हो जाते हैं। वहीं कई लोग रत्ती के बीजों से बनी लाल और काले दानों वाली माला को ज्वेलरी के रूप में पहनना पसंद करते हैं, जिसे स्वास्थ्य और जीवन के लिए सकारात्मक माना जाता है। उम्मीद है कि अब आपको रत्ती का महत्व और उसका असली मतलब समझ आ गया होगा। तो इस ज्ञान को अपने तक न रखें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।